नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, इसी वजह से माँ के इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। इनकी आराधना से हम सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन 9 कहानियाँ, नारी शक्ति की श्रृंखला की पहली कहानी अरुणिमा सिन्हा। वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, लिंक पर जाकर इस वीडियो को जरूर देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका IDD न्यूज़ पर। आज के प्रमुख समाचारों में, रेलवे लाइन दोहरीकरण, घरों पर चला बुलडोजर। हावड़ा टाटानगर रेल मार्ग पर यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू होने के साथ ही जमशेदपुर स्टेशन पर रौनक लौट आई है। नालसा एवं झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा जिला प्रशासन बोकारो के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को जिला के सभी प्रखंडों में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। बेरमू अनुमंडल के बोकारो थर्मल स्टेशन क्लब में भारत विकास परिषद की ओर से एक दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन समाचारों पर चर्चा विस्तार से, शुरुआत देश विदेश के कुछ प्रमुख समाचारों से। गुलाम नबी आज़ाद ने लॉन्च की नई पार्टी जिसका नाम है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी से अभी कुछ समय पहले ही इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाली पार्टी है, इसमें किसी एक के हाथ में सत्ता नहीं रहेगी। वाराणसी में चल रही ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता इसे लेकर हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि वो जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। डॉलर के मुकाबले रुपया एक बार फिर और कमज़ोर हो गया। आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 81.54 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर खुला। इससे पहले शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 81 रुपीज़ के करीब पहुंच गया था। पिछले कुछ महीनों में रुपये की कीमत में लगातार गिरावट देखी जा रही है। भारत ने रविवार को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए तीसरे और निर्णायक T20 इंटरनेशनल मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली। दुनिया की वर्ल्ड नंबर 1 टीम भारत ने इस निर्णायक मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट पर 186 रन का स्कोर बनाया, जिसे भारत ने 19.5 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने अपनी धरती पर लगातार 10वीं जीत दर्ज की। अब समाचार बोकारो से। कलश स्थापना के बाद नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। बोकारो के अलग अलग हिस्सों में दुर्गा पूजा की तैयारी की धूम देखने को मिल रही है। अलग अलग पंडालों को अलग अलग जगहों के बहुचर्चित मंदिर इत्यादि की रूपरेखा में तैयार किया जा रहा है। कहीं सुंदर दृश्यों की झांकी देखने को मिल रही है। पूजा को सुंदर रूप देकर आकर्षण का केंद्र बनाने पर सभी पूजा कमेटी जोर शोर से लगी हुई है। लगभग 9 से 10 दिन का पूजा आयोजन में बोकारो स्टील सिटी के लोग भी उत्साहित दिख रहे हैं। लोगों का मानना है कि पहले की तरह अब पूजा पंडालों में भी रौनक देखने को मिलेगी और लोग इसका भरपूर आनंद उठाएंगे। भव्य रूप देकर पूजा कमेटी पंडालों का निर्माण कर रही है, जिसे लोग दूर दूर से देखने बोकारो स्टील सिटी के तमाम सेक्टरों में पहुँचते हैं और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूजा पंडालों में CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, जहां पूजा के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन की तैनाती भी की जाती है। साथ ही पूजा कमेटी के वॉलंटियर्स की भी निगरानी होती है। हमारे प्रांगण वैशाली मोड़ में श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति का कलश स्थापना का प्रोग्राम हो रहा है। इसका इंटीरियर इतना ही अद्भुत है कि वो देखने लायक है। हमारे SDO सर के तरफ से यही अभाव है कि हम लोग को समय कुछ और देते तो कुछ और भव्य बनाने का हम लोग करते, लेकिन कम समय में हम लोग ने जितना किया ये बहुत ही देखने योग्य बनेगा। और इस पंडाल को देखने के बाद सब बोले हैं कि हाँ, कम समय में बच्चे लोग ने मेहनत किया और बहुत ही सुंदर बनाया है। हिंदुओं के महापर्व दशहरा को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर अलग अलग थाना में हो रही शांति बैठक रविवार को 4 STO, SDPO एवं थाना प्रभारी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में क्षेत्र के लाइसेंसी पूजा पंडाल के अध्यक्ष सचिव समेत हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। बैठक में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के बारे में बारीकी से विस्तारपूर्वक समझाया गया।
जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही गई। दुर्गापूजा पूजा का जो पर्व, उसे आपसी भाईचारे के साथ एक शांति का मैसेज देते हुए हम लोग को मनाना है। इसमें विशेष हम लोगों ने विधि व्यवस्था के मुद्दे पे गंभीरता से बात की। सभी लोगों ने ये अपनी राय दी है, सभी लोगों ने ये संकल्प लिया है कि किसी भी हालत में विधि व्यवस्था संधारण के लिए ज़रूरी सहयोग पुलिस एवं प्रशासन को लोगों के द्वारा कराया जाएगा। और हम लोगों की पूरी कोशिश ये रहेगी कि कम्युनिटी पुलिसिंग पे हम लोग ध्यान दें। जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पुलिस प्रशासन के साथ, वो एक तरीके से प्रशासन और सोसाइटी को जोड़ते हैं, तो वो हमें सूचना देंगे, हमारा सहयोग करेंगे, तो हम लोग निश्चित तौर पर प्रिवेंटिव मेजर ले पाएंगे और कोई भी ऐसी कोई घटना नहीं होगी। बोकारो के सिटी थाना परिसर में गुरुवार को दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक थाना प्रभारी दुलर चौड़े की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सिटी DSP कुलदीप कुमार मुख्य रूप से उपस्थित थे। थाना प्रभारी दुलर चौड़े ने सदस्यों से कहा कि दुर्गा पूजा और दशहरा सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाए। यदि कहीं कोई अप्रिय घटना घटने की आशंका हो तो तत्काल प्रशासन और पुलिस को सूचना दें। बैठक में सेक्टर 2, 9 और 12 पूजा समिति के अध्यक्ष उपस्थित रहे। शांति समिति में जितने भी पूजा समिति के सदस्यगण, अध्यक्ष और जो प्रबुद्ध व्यक्ति इस क्षेत्र के हैं, वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इन लोगों से पूजा में क्या कमी बेसी रहती है या फिर क्या आवश्यकता है, क्या प्रशासन के द्वारा सहयोग मिलना चाहिए और ये लोग क्या तैयारी करते हैं और किस प्रकार से करेंगे इस वर्ष, इसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। इसमें कुल 8 लाइसेंसधारी BSCT थाना क्षेत्र में हैं जो दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं और 8 गैर लाइसेंसी पूजा समिति है। सभी से हम लोग एक एक करके डिस्कशन किए हैं और उसमें हम लोग सभी को निर्देश भी दिए हैं कि जो मूलभूत चीज़ें हैं, जैसे CCTV लाइट्स का प्रॉपर कहाँ लगाना है, रूट्स जो होंगे वो नियत हैं जो हर वर्ष प्रयोग करते हैं उसी का प्रयोग करना है, रेस ड्राइविंग जो लगातार हर पूजा त्यौहार और अन्य त्यौहारों में भी देखा जाता है, इसके लिए भी हम लोग जो पर्याप्त कार्रवाई हो सकती है वो करने का हम लोग भी आश्वासन दिए हैं। बोकारो के टुपकाडी तलगड़िया रेलवे लाइन के दोहरीकरण में उत्तरी विस्थापित क्षेत्र के धनघरी गांव के 10 घर बाधा बन रहे थे। रेलवे और जिला प्रशासन के द्वारा उन घरों पर बुलडोजर चलाया गया। उन घरों में रह रहे लोगों को कई बार घरों से हटने का नोटिस दिया गया था, लेकिन आखिरकार जिला प्रशासन और रेलवे की टीम ने गाँव पहुँच कर 10 घरों में बुलडोजर चला कर उन्हें जमींदोज कर दिया। इस दौरान ग्रामीण घरों को तोड़े जाने का विरोध करते रहे। ग्रामीण और पुलिस के बीच तकरार भी हुई, लेकिन 200 से अधिक पुलिस जवानों की मौजूदगी के कारण गांव वालों की एक न चली और रेलवे के द्वारा लाए गए बुलडोजर से घरों को तोड़ दिया गया। इस दौरान महिलाओं की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। महिलाओं का कहना था कि अब हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। रेलवे को पहले हमें बसाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, तब हमारे घर को उजाड़ा जाना चाहिए था। कुछ नहीं जानकारी है, जरा सा भी जानकारी नहीं है हम लोग को, कितना घर में सामान है, कहाँ फेंक देंगे हम लोग। कोई घर नहीं है, कोई भी घर नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे, बाहर में सब फेंक दिए, कोई भी घर नहीं है हम लोग। स्थानीय लोगों ने कहा कि हम विकास के विरोधी नहीं है, यही कारण है कि हमारे बाप दादाओं ने बोकारो स्टील के निर्माण के लिए कौड़ी के भाव जमीनों को दे दिया था। आज हम अपने मुआवजे की मांग कर रहे हैं तो बोकारो स्टील और रेलवे आपस में समझौता कर हमें उजाड़ने का काम कर रही है। लोगों ने कहा कि हमारा दर्द केंद्र सरकार को समझना चाहिए और हमें बसाने के लिए जमीन और मुआवजा दिया जाना चाहिए। घर भी चल गया, हम लोग कहाँ रहेंगे, कहीं ठिकाना भी नहीं दे रहा रेलवे वाला, हम लोग को ठिकाना दीजिए कहीं। अनुमंडल पदाधिकारी चास के आदेशानुसार ये रेलवे का जो रेलवे के भूमि पे जो अतिक्रमण है इसको हटाया जा रहा है। इसमें करीब झारखंड पुलिस और रेलवे के पुलिस के मिलाकर कुल 150 से 200 फोर्स लगे हुए हैं और 4 मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं और हमारे थाना क्षेत्र के और पूरे बोकारो के जो भी थाना प्रभारी हैं वो भी यहाँ पे आके सुरक्षा कर में लगे हुए हैं और आम जनता को भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि लोग अपने से खाली कर दें और आम जनता का भी सहयोग मिल रहा है।
किसी का घर टूटता है तो लोगों का दर्द है, लेकिन हम लोग भी उसका सहयोग लेके ही खाली कर रहे हैं। प्रारंभिक तौर पे तो हम लोग को थोड़ा सा विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन हम लोग को समझाने पे और वो लोग खुद इस बात को पहले से कई बार नोटिस किया गया था, तो उसके में उन लोगों को भी ये पता था कि हम लोगों का घर खाली करना है, वो लोग अपना घर खाली कर रहे हैं। दिनांक 25/9/2022 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा एवं झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार रांची झालसा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार जिला प्रशासन बोकारो के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को जिले के सभी प्रखंडों में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जिला स्तरीय मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन चास प्रखंड सभागार में आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना, उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर अपने संबोधन में प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना ने कहा कि समय समय पर इस तरह के शिविर का आयोजन किया जाता है। इस तरह के शिविर के आयोजन का एकमात्र उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों तथा सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की जानकारी हो और वे उसका लाभ उठा सके। गोमिया में भी हुआ नालसा एवं झालसा के निर्देशानुसार डालसा की देखरेख में अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति बिरमू एवं तेनुघाट द्वारा गोमिया प्रखंड सह अंचल कार्यालय में एम्पावरमेंट कैंप का आयोजन। लीगल एम्पावरमेंट कैंप का मेन उद्देश्य था कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं जिसके बारे में जो सब लोग जानते तो हैं लेकिन उनको सही समय पर नहीं मिल पा रहा है, उस सारी योजनाओं के तहत कई विभागों से के उसका जो है लाभ दिया गया, लाभार्थी आए। बेरमो अनुमंडल के बोकारो थर्मल स्टेशन क्लब में भारत विकास परिषद की ओर से एक दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता व स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा राष्ट्रीय समूह गान का प्रस्तुतिकरण किया गया। समूह को कई भागों में बांटा गया था। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले समूहों को हौसला बढ़ाते हुए पुरस्कृत किया गया। अब समाचार जमशेदपुर से। हावड़ा टाटानगर रेल मार्ग पर यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू होने के साथ ही स्टेशन पर रौनक लौट आई। सोमवार सुबह हावड़ा से इस्पात, जनशताब्दी एवं खड़गपुर लोकल ट्रेनों समेत धनबाद चक्रधरपुर की ट्रेनों के कारण प्लेटफार्म पर लोगों की काफ़ी आवाजाही लगी रही। मालूम हो कि मंगलवार सुबह से रविवार सुबह तक टाटानगर खड़गपुर के बीच यात्री ट्रेनों का परिचालन कुर्मी समाज द्वारा लाइन जाम करने से ठप था। रैक के अभाव में रविवार को हावड़ा टाटा मार्ग पर सिर्फ लोकल ट्रेनें ही चली। रात में हटिया हावड़ा एक्सप्रेस से लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ, जो कि अब जारी है। अब मौसम की बात। पिछले 24 घंटों से बोकारोवासी उमस और बिजली की कटौती से बेहाल है। आज सुबह से ही लोगों को धूप का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अगर बात करें जमशेदपुर के मौसम की, तो जमशेदपुर में भी आज पूरे दिन धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। बोकारो जमशेदपुर के समाचारों के लिए बने रहें IDD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।